जबलपुर की लाटगंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उजारपुरवा गली नंबर 2 के पास मेन रोड के पास रहने वाला एक लड़का अपने घर के पास अवैध रूप से काफी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ रखकर बेचने की फिराक में है। सीएसपी लाटगंज रितेश कुमार शिव द्वारा सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम दीपक सैन, उम्र 32 वर्ष, निवासी उजारपुरवा गली नंबर 2 लाडगंज बताया, जो पास में रखी नीले रंग की प्लास्टिक की केन में लगभग 40 लीटर डीजल रखे मिला। आरोपी द्वारा अवैध रूप से एवं उपेक्षापूर्ण ढंग से रखे गए ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन लोकहित में संकटापन्न स्थिति होने की पूर्ण संभावना होने से आरोपी दीपक सैन से 40 लीटर ज्वलनशील पदार्थ डीजल जिसकी कीमत 3,400 रुपए का जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 285 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। लॉर्डगंज पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से डीजल रखे हुए हैं और बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर पेट्रोलिंग के द्वारा जब चेक किया गया तो एक युवक मिला जिसका नाम दीपक सेन बताया। उसके पास लगभग 40 लीटर डीजल मिला था। उसके पास उस इस संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इस सूचना पर थाना लॉर्डगंज में धारा 285 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उक्त तो डीजल को जब्त किया गया। ये कहाँ पर बेच रहा था? ये उजारपुरवा क्षेत्र में लॉर्डगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत। अच्छा,